दर्शन ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा, फिल्म करते वक्त मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। बॉलीवुड से हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों लोगों के बीच वाहवाही लूट रही है। फिल्म में न तो मनोरंजन है न तो ड्रामा है, तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की सच्चाई। फिल्म को देखने के बाद हर कोई रो जाता है। हालांकि यह फिल्म देख न सिर्फ दर्शकों पर लेकिन इस फिल्म के लीड एक्टर दर्शन कुमार पर भी इस फिल्म का गहरा असर पड़ा है। फिल्म में दर्शन ने एक कश्मीरी युवक कृष्णा पंडित की भूमिका निभाई है, जो अपने माता पिता और भाई के मौत की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब हाल ही में दर्शन ने फिल्म की शूटिंग को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, इस दौरान मैं लगभग डिप्रेशन में चला गया था। फिल्म करने से पहले मैंने कई वीडियोस भी देखे जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिससे उनके किरदार को निभाने में सहायता मिले। मीडिया से बात करने के दौरान दर्शन बताते हैं कि मुझे कृष्णा पंडित और उसके परिवार के साथ हुई घटना को जीना था। यह बहुत दर्दनाक था। मैं लगभग डिप्रेशन में चला गया था। मैं हमेशा लो महसूस करता था। जब मैं होटल में आराम करता था, तब भी मैं किरदार में रहने की कोशिश करता था। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे किसी भी रात ठीक से नींद नहीं आई। फिल्म खत्म होने के बाद 3 हफ्ते तक मुझे मेडिटेशन करना पड़ा, क्योंकि मैं इससे बाहर आना चाहता था। इसने मुझ पर एक कर्ज रखा, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह दर्शकों द्वारा देश भर में फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से भुगतान कर दिया गया है। दर्शन ने बताया कि जब विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें कहानी नरेट की तो वह कांप रहे थे। जब वह स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने वही दर्द महसूस किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से जुड़े कई वीडियोज भी देखे